तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के बारे में, जहां पर आप देख पाएंगे कि आज के दिन हमें 1.40 रुपए की गिरावट अडानी पावर के अंदर देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की अगर वजह जाने तो मार्केट ओवरऑल नेगेटिव था। निफ्टी 50 के सभी दिग्गज शेयर्स के अंदर आज के दिन हमें फ्री फॉल देखने को मिला, यानी कि गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अडानी पावर से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को। द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से एक न्यूज को कवर किया गया है, जिसकी तारीख आप यहां पर देख सकते हैं 28 सितंबर 2023। आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें प्रमोटर ग्रुप रेज स्टेक इन अडानी पावर बाय 2.2% इन सितंबर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है कि अडानी पावर के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने सितंबर महीने के अंदर 2.2% से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। कंप्लीट न्यूज अगर आप देखेंगे तो द अडानी प्रमोटर ग्रुप हैज इंक्रीज इट्स स्टेक इन अडानी पावर बाय 2.2% दिस मंथ थ्रू मार्केट परचेज, यानी कि ओपन मार्केट से ये जो स्टेक है वो यहां पर खरीदा गया है। और इस हिस्सेदारी को खरीदने के बाद में अब प्रमोटर्स ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़कर 69.1% पर पहुंच चुकी है। आखिरी प्रमोटर ग्रुप के अंदर किसने यहां पर इतने बड़े स्टेक को खरीदा है, तो यहां पर आप देख पाएंगे 2 प्रमोटर्स एंटिटीज बोट यानी कि बाइंग करी है 8.5 करोड़ शेयर्स ऑफ द कंपनी बिटवीन 5 सितंबर टू 25 सितंबर। तो यहां पर आप देख पाएंगे 5 सितंबर और 25 सितंबर के दिन हमें ये डील होते हुए देखने को मिली है, बल्क डील जिसमें 8.5 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं। और अगर इसकी हम वैल्यू की बात करें तो लगभग 3,191 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू बनती है। तो बहुत ही शानदार अपडेट हमें ये आते हुए देखने को मिल रही है अडानी पावर के शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट निकल कर आई है तब से हमें अडानी ग्रुप की कंपनियों में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जाके प्रमोटर ग्रुप कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए, भरोसा जीतने के लिए कंटिन्यूसली यहाँ पर पॉजिटिव स्टेप्स उठा रहे हैं। सबसे पहले वो अपने डेब्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो हिस्सेदारी है उसे भी बढ़ा रहे हैं, और तीसरी अपडेट जो उनके शेयर्स गिरवी रखे थे उन्हें भी वो छुड़वाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इसी के चलते अडानी पावर के अंदर हमें वापस पावर देखने को मिली, और एक टाइम पर शेयर जो कि हमें अराउंड 150 के अराउंड भी जाते हुए देखने को मिल चुका था उसमें वापिस हमें तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो अडानी पावर की परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रही है, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले अगर आपने इस कंपनी के अंदर निवेश किया था तो अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने नीचे के लेवल पर, यानी कि जब शेयर्स मार्च के महीने में बहुत ही डाउन गया था, अराउंड 140 to 150 गया था, तब अगर आपने बाइंग करी होगी तो अभी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो इस न्यूज़ के चलते भी कल के दिन हमें अडानी पावर के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो इस शेयर्स के ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।